और इधर छात्र भाई माता रानी का मूर्ति देखिए। खुड़िया रानी माता की जय, खुड़िया रानी माता की जय। और हे गाइस, मैं यहाँ सीढ़ी की बात करूँ तो यहाँ 405 सीढ़ी है, अभी हम लोग गिने हैं। देख सकते हो गाइस, दीवार सब में गंदा है यार। ये देखिए, आजा आजा। जय माता दी। हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं खुड़िया रानी, और अभी हैं हम लोग बगीचा वाला रोड में, और बगीचा से खुड़िया रानी की दूरी 18 किलोमीटर है। तो वीडियो पे बने रहिए, और मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग किस में से हो के जाते हैं खुड़िया रानी। और ये देख सकते हो गाइस, हम लोग अभी पहुँच चुके हैं खुड़िया रानी, और यहाँ एक छोटा सा पुल टाइप से है, और यहीं अभी मेला भी लगने वाला है कार्तिक पूर्णिमा में। और ये देख सकते हो कितने श्रद्धालु लोग आए हैं। और ये देखिए इधर, और ये देख सकते हो भाई, तो कमेटी वाले हैं यहाँ का टिकट, जो भी गाड़ी उड़ी पार्क करते हैं वहाँ, यहाँ तो यहाँ का टिकट लगता है। और हम लोग का टिकट सब हो गया। तो देख सकते हो गाइस, मेला लगने ही वाला है तो तैयारी भी चल रहा है। और इधर ये देखिए माता रानी का चुनरी। और ये देखिए गाइस इधर पूरा, और ये देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। और चलते हैं अभी मंदिर साइड। और ये देख सकते हो गाइस, यहाँ हाथी भी है, हाथी में घोंसला घोंसलते हैं। और ये देख सकते हो इधर पूरा मेला लगने ही वाला है यहाँ अभी। और देख सकते हो माता रानी का चुनरी, और इधर नारियल सब मिलता है। ये देखिए, जय माता दी। ये देखिए, जय माता दी। और ये देख सकते हो गाइस, यहीं से स्टार्ट होता है माता रानी के दरबार में जाने के लिए रास्ता। ये देखिए, जय माता दी। और गाइस, यहाँ माता की बात करूँ तो यहाँ पास बहुत ही दिव्य वाला जो एक मंदिर है, यहाँ पास मंदिर अपने आप बना है, यहाँ मंदिर कोई नहीं बनाए हैं। जैसे कि और धाम सब में मंदिर बनाए रहते हैं, उस टाइप से यहाँ नहीं है। यहाँ माता रानी अब प्रगट हुई है, और पत्थर जो है वही मंदिर का रूप धारण हुआ है। यहाँ करीब 300 फीट ऊंचा है पत्थर, और उसी के नीचे माता खुड़िया रानी विराजमान है। तो चलिए, मैं अभी आप लोगों को वहाँ का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। और बोलते हैं जो नीचे माता रानी के नीचे थोड़ा सा जस्ट नीचे एक झरना है, वहाँ मछली, माता रानी मछली के रूप में दिखती है। और जो मछली के रूप में दिखती है, उसमें जो नाक में सोना का नथिया पहनी हुई है, बोलते हैं वहाँ के जो पुजारी लोग हैं वो। और मैं तो देखा नहीं हूँ, और बोलते हैं कि हर किसी को दिखाई नहीं देता है, जो देखता है वही देखता है, सब कोई नहीं देख पाते हैं। तो चलिए, और गुफा भी है, और गुफा के अंदर से पानी निकल रहा है, और उसी पानी में से होते हुए जाते हैं अंदर। और वहाँ पास भी मूर्ति है, माता जी का मूर्ति है। तो अभी क्या है, कैसे है, पूरा आप लोगों को दिखाऊंगा। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक वीडियो पहुंच सके और आप लोग देख सकें। और ये देख सकते हो यहाँ एक तो काफ़ी खूबसूरत झरना है गाइस। ये देख सकते हो, ये देखिए पर की जवाब होगा और झरना कितना खूबसूरत दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो गाइस। यहाँ का झरना बहुत ही अच्छा दिख रहा है, पानी थोड़ा थोड़ा है और ज़्यादा पानी रहता तो और ज़बरदस्त दिखता। तो देख सकते हो और अभी माता रानी के वहाँ हम लोग पहुँचने ही वाले हैं गाइस। और ये देख सकते हो इधर, और यहाँ पास जगह जगह पानी भी है, ये देख सकते हो पूरा। और हम लोग पहुँचने ही वाले हैं माता रानी के दरबार में, और बहुत से श्रद्धालु गढ़ आए हुए हैं देख सकते हो। और यहाँ बकरे का भी बलि दी जाती है अपनी मनोकामना के अनुसार। जिन लोग का मनोकामना पूर्ण होता है वो लोग अपने में खुश होके बलि देते हैं। बकरा, नारियल, जो भी मन्नत मांगे रहते हैं वो पूरा होता है तो ला के देते हैं अपना। और यहाँ बंदर है गाइस बहुत ही ज़्यादा। ये देख सकते हो और ये देख सकते हो गाइस नज़ारा। और इधर है माता रानी का मूर्ति, और ये देख सकते हो पूरा बहुत ही बड़ा बड़ा चट्टान है इधर, ये देखिए। और हे गाइस मैं यहाँ सीढ़ी की बात करूँ तो यहाँ 405 सीढ़ी है, अभी हम लोग गिने हैं तो सीढ़ी कुल मिला के 405 है। और देखते हैं यहाँ क्या है कैसे है, यहाँ का पूरा आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो पे बने रहिएगा। और ये देख सकते हो गाइस यहाँ बहुत ही ज़्यादा बंदर है छोटा छोटा, ये देखिए। और ये देख सकते हो वहाँ वही है माता रानी का मूर्ति, और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, आए हैं श्रद्धालु। और ये देख सकते हो यहाँ जो माता रानी का जो मंदिर है वो देख सकते हो गाइस कितना ऊंचा है, ये देखिए पूरा ऊपर तक है। और ये देख सकते हो पूरा चारों तरफ पत्थरों से घिरा हुआ है और जंगलों से भी, और जंगल के बीचों बीच जो नाला है उसमें पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये देखते इधर पूरा। तो चलते हैं अभी उधर मंदिर साइड में। हाँ देख सकते हो गाइस माता रानी के दरबार में हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं। और अभी देख सकते हो वहाँ कितना ज़्यादा भीड़ है, ये देखिए। और यहाँ बंदर भी बहुत ज़्यादा है गाइस, तो आप लोग यहाँ जब भी आइएगा बंदर से सावधान रहिएगा। देख सकते हो कितना ज़्यादा बंदर है, छोटा छोटा है पर बहुत बदमाश है गाइस यहाँ बंदर। माता रानी का मूर्ति और ये देख सकते हैं गाइस, यहीं से अंदर जाते हैं गुफा में। कैसे अरुणाचल हीरो समझी कैसे यहाँ कार धरना बढ़िया कितना मजा आई बता, बहुत मजा आई। देखते हैं गाइस गुफा में कितना मजा आता है। और भैया कितना मजा आई बताना, कितना मजा आई दूर पड़ी, मजा आई ना मजा इधर कलश सूरज है पूरा, ये देख सकते हो इधर इतना अच्छे से तो नहीं दिख पा रहा है। और ये देखिए इधर और ऊपर का भी नज़ारा आप लोग देख सकते हो इधर। और देख सकते हो गाइस वहाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है नीचे में पानी है, वहीं पास बोलते हैं कि खुड़िया रानी मछली के रूप में निकलती है और उसके नाक में नथिया जो पहनती है वो सोने की है। और इधर का नज़ारा आप लोग देख ही चुके। और ये देख सकते हो हम लोग पूजा पाठ कर लिए यहाँ। और आज हम लोग का पूरा फैमिली आया है। और ये देखते हैं तो गाइस आप लोगों को खुड़िया रानी धाम का वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे YouTube चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अंबिकापुर से खुड़िया रानी की दूरी 80 किलोमीटर है और बतौली से खुड़िया रानी की दूरी 48 किलोमीटर है। और रजपुरी बगीचा से खुड़िया रानी 18 किलोमीटर। लोकल बस जैसे बुकिंग करके और कार या मोटरसाइकिल से आ सकते हैं। और मैं अभी फ़िलहाल में हूँ खुड़िया रानी में। और ये देख सकते हो खुड़िया रानी में हाथी बनाए हैं घोंसला, वहीं पे बैठा हूँ। और यहाँ का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।